नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तिरुपति मंदिर के लड्डू में पशु चर्बी वाले तेल के इस्तेमाल को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद हिंदू आक्रोशित हो गए। अब इसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य ने तिरुपति मंदिर में लड्डुओं के मुद्दे पर बड़ी बात कह दी है। मुखपत्र में प्रकाशित एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तिरुपति तिरुमाला मंदिर से भी 1 लाख लड्डू अयोध्या भेजे गए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन तिरुपति मंदिर से 1 लाख लड्डू भेजे गए थे। ये लड्डू अयोध्या में श्रद्धालुओं में बांटे गए थे। जांच में यह भी पता चला है कि तिरुपति मंदिर के प्रसाद में गौमांस, सुअर की चर्बी और मछली का तेल मिलाया गया था। और बता दें कि यह सब आंध्र प्रदेश की तत्कालीन जगन मोहन रेड्डी सरकार के कार्यकाल में हुआ है। टीडीपी प्रवक्ता अनम वेंकट रमन रेड्डी ने दावा किया है कि प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का प्रबंधन करने वाली तिरुमाला तिरुपति देव स्थानम द्वारा उपलब्ध कराए गए घी के नमूनों की गुजरात स्थित पशुधन प्रयोगशाला द्वारा मिलावट की पुष्टि की गई है। उन्होंने कथित लैब रिपोर्ट दिखाई है जिसमें दिए गए घी के नमूने में पशु वसा, लार्ड जो कि सुअर की चर्बी से संबंधित है, और मछली के तेल की मौजूदगी का दावा भी किया गया है। नमूने की तारीख 9 जुलाई 2024 थी और लैब रिपोर्ट 16 जुलाई की थी। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा तिरुमाला तिरुपति देव स्थानम की ओर से प्रयोगशाला रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है जो प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का प्रबंधन करता है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है तिरुपति मंदिर के अलावा। अब दोस्तों ये दावा किया जा रहा है कि जब दोस्तों राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो यहाँ से भी 1 लाख लड्डू राम मंदिर में भेजे गए थे, और पता चला है कि इन लड्डुओं के अंदर भी गौमांस, सुअर की चर्बी और मछली का तेल मिलाया गया था। बता दें कि इस समय पूरे देश के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि तिरुपति के लड्डुओं में चर्बी के आरोप पर सरकार भी एक्शन में आ गई है। इसी बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि अब इस मामले की जांच कराई जा रही है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इस समय दोस्तों पूरे भारत में हाहाकार मच गया है, हिंदू काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हो गए हैं। आपको पूरी जानकारी आगे मिलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करें।